एवरीवन, वेलकम टू पवनबाग अकेडमी। आशा है स्टूडेंट्स आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी आप लोगों की। चलिए कंटिन्यू करते हैं क्लास 12th का जो चैप्टर हम लोगों का रनिंग में है, ओरिजिनल इवोल्यूशन वाला। लास्ट हम लोगों ने इवोल्यूशन के एविडेंसेस के जो टॉपिक है स्टार्ट किया था, और एविडेंसेस में मैंने आप लोगों को दो एविडेंसेस करा दिए थे। एक कराया था आपका पैलेंटोलॉजी वाला, राइट, और इसके अलावा दूसरा था आपका मॉर्फोलॉजी वाला, राइट। उसके अलावा इसमें आपके कुछ मॉर्फोलॉजी में हमने ऑर्गन्स को डिस्कस किया था, जैसे सबसे पहले थे हमारे होमोलोगस ऑर्गन्स, दूसरे थे हमारे एनालोगस ऑर्गन्स, तीसरे थे हमारे वेस्टिजियल ऑर्गन्स। उसके अलावा जो हम लोगों का फोर्थ आता है वो है मॉलिकुलर एविडेंसेस। हम लोगों के मॉर्फोलॉजी वाले पार्ट में चार होते हैं, एक होता है होमोलोगस, दूसरा होता है आपका एनालॉगस, थर्ड होता है आपका वेस्टिजियल, और फोर्थ आता है हम लोगों का मॉलिकुलर एविडेंसेस। यहीं से स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स स्टार्ट। एज वी नो दैट स्टूडेंट दैट सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इन ऑल ऑर्गेनिज्म। ये चीज हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं, 7th-8th क्लास से, कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो सेल होती है, राइट। एंड द सिमिलैरिटीज इन प्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल परफॉर्मिंग अ सिमिलर फंक्शंस अमंग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म गिव एविडेंस ऑफ अ कॉमन एंसेस्ट्री। और हमारे जितने भी ऑर्गेनिज्म है, सपोज कर लिए मैंने एक स्पीसीज ले ली, ह्यूमन की स्पीसीज, क्योंकि किसी चीज को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेना जरूरी है। मैंने सपोज करिए ह्यूमन की स्पीसीज ले ली, ओके, राइट। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, मैं ऐसा करती हूँ कि मैंने एक ह्यूमन लिया और मैंने दूसरा ह्यूमन ले लिया, दो ह्यूमंस ले लिए मैंने, एक ही स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे एक बात बताइए, ह्यूमंस में दो ग्लैंड है, मतलब काफी सारी ग्लैंड होती है। मैंने एक ग्लैंड ले ली पैनक्रियाज, एक ग्लैंड ले ली मैंने यहाँ पर आपकी एड्रिनल ग्लैंड, सेम एज इट इज, इसमें भी पैनक्रियाज ग्लैंड एंड एड्रिनल ग्लैंड। अब एक बात बताइए बच्चों कि जो पैनक्रियाज ग्लैंड है जो कि इंसुलिन हार्मोन रिलीज करती है और हमारे बॉडी में ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है उसको मेंटेन करती है, जब ये ग्लैंड एक ह्यूमन में इंसुलिन लेवल को इंक्रीज और डिक्रीज करने में हेल्प करती है, तो क्या दूसरे पर्सन में यही ग्लैंड क्या सेम फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी? इसमें क्या कुछ और कर देगी कि पैनक्रियाज ग्लैंड आइडियली रिस्पॉन्सिबल होती है कि दूसरे पर्सन की हाइट बढ़ा देगी? नहीं, है ना, नॉट पॉसिबल। क्या है ये कि किसी भी एक स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म में जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं, जितने भी हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं एक कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व होके आए हैं। ऐसा नहीं है कि ये वाला ह्यूमन चिंपैंजी से इवॉल्व होके आ गया और ये वाला ह्यूमन किसी लाइन की स्पीसीज से, लाइन के एंसेस्टर से बिलोंग होके आ गया, दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट। जिस किसी भी सेम स्पीसीज के सेम ऑर्गेनिज्म में प्रोटीन, जेनेटिक मटेरियल या जितने भी हार्मोन्स हैं जो कि सेम फंक्शन कर रहे हैं, उसको सेम चीजों को परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि ये स्पीसीज के सारे ऑर्गेनिज्म अपने एक कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व होके आए हैं, यही तो कहेंगे हम। सो मेटा बेसिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आल्सो अकर इन अ सिमिलर मैनर इन ऑल ऑर्गेनिज्म। तो हम कह सकते हैं कि जितनी भी बेसिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं किसी भी स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म में सिमिलर मैनर में होती है। ऐसा नहीं है कि एक इंसान के अंदर पेनक्रियाज ग्लूकोज का लेवल मेंटेन करेगी और दूसरे इंसान के अंदर पेनक्रियाज हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, नॉट पॉसिबल। एक स्पीसीज के सेम ऑर्गेनिज्म सेम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। एंड द एटीपी इज द एनर्जी सोर्स इन ऑल ऑर्गेनिज्म, और इन सारी चीजों को परफॉर्म करने के लिए, फंक्शंस के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या रिक्वायर होता है? एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, दैट इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। चलिए अब लोग हम लोग नेक्स्ट अपने आ जाते हैं स्पीसिएशन पर। यहाँ थे हम लोगों के एविडेंसेस वाले पार्ट। अब हम लोगों का यहाँ से एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है, इट इज कॉल्ड स्पीसिएशन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीसीज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज इज कॉल्ड स्पीसिएशन। दिस इज नॉट पर एग्जिस्टिंग, इट्स प्री एग्जिस्टिंग। आप लोगों ने जो क्लास 9th में 8th में सेल के बारे में पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा है,
आप लोगों ने सेल थ्योरी में तीन पॉइंट्स पढ़े होंगे कि जितने भी प्लांट्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, आई मीन टू से सेल से मिलके बने हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी भी स्मॉलेस्ट यूनिट सेल होती है। और थर्ड जो थ्योरी थी जो कि विर्चो ने दी थी, क्या कहा था उन्होंने सेल के बारे में, उन्होंने कहा था कि जितने भी न्यू सेल अराइज होते हैं, प्रोड्यूस्ड होते हैं, वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से होते हैं। पहले से जो सेल प्रेजेंट है उसी वही सेल क्या करते हैं, अपने न्यू सेल बेबी सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं। यही तो होती है हमारी, यही तो कहा था उन्होंने विर्चो ने। तो स्पीसिएशन को भी ऐसे समझिए कि किसी भी न्यू स्पीसीज का जो फॉर्मेशन होती है, न्यू स्पीसीज में कोई भी आ सकता है, बेबी बेबी ह्यूमंस भी आ सकते हैं, बेबी लायन, बेबी डियर, मतलब जितने भी बेबीज होते हैं अपनी अपनी स्पीसीज के, तो किसी भी न्यू स्पीसीज की जो फॉर्मेशन होती है वो उसके प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज से ही तो होगी। ऐसा तो नहीं है कि लाइन प्रोड्यूस हो गया है तो लाइन के मदर पेरेंट्स होंगे ना, लाइन और लाइनेस होंगी, पहले से ही उसके पेरेंट प्रेजेंट है ना, पहले से ही लाइन ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। इसको हम लोग बोलते हैं स्पीसिएशन। द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीसीज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज इज कॉल्ड स्पीसिएशन। स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म। स्पीसीज क्या है, किसी भी सिमिलर ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है। जैसे लाइन की स्पीसीज अलग है, उसमें सिर्फ लाइन प्रेजेंट है, ह्यूमन की स्पीसीज अलग है, उसमें सिर्फ ह्यूमन प्रेजेंट है, डियर की स्पीसीज अलग है, सिर्फ डियर प्रेजेंट है, कैट की स्पीसीज अलग है, कैट प्रेजेंट है उसमें। ऐसा नहीं है कि लाइन की स्पीसीज में हमारी डियर को भी इंक्लूड कर देंगे या फिर काउ को इंक्लूड कर देंगे, नॉट पॉसिबल। हर एक स्पीसीज में अपने सिमिलर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं जो एक दूसरे से साथ इंटरब्रीड करते हैं, यानी कि फर्टिलाइज करते हैं, और अपने ऑफस्प्रिंग यानी कि बेबीज को प्रोड्यूस करते हैं। एंड द न्यू स्पीसीज आर फॉर्म बाय द फॉलोइंग फूड्स। और जो इनकी बेबीज प्रोड्यूस्ड होते हैं, आई मीन टू से जो न्यू ऑर्गेनिज्म न्यू स्पीसीज प्रोड्यूस्ड होती है उनमें थोड़े से मोड्स चेंज हो जाते हैं, मोड्स मतलब थोड़े के मेथड चेंज हो जाते हैं। तो जिसमें सबसे पहला जो मोड आता है या मेथड आता है वो आता है इंट्रा स्पेसिफिक स्पीसीएशन, इंट्रा स्पेसिफिक स्पेशन। अब इसमें बोला क्या गया है, इसमें भी आपका फर्स्ट पॉइंट दे रखा है। एलोट्रॉपिक स्पीसीएशन, द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीसीज ड्यू टू सेपरेशन ऑफ अ सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम द ओरिजिनल पॉपुलेशन बाय डिस्टेंस और अ जोग्राफिकल बैरियर कटिंग अक्रॉस द स्पीसीज रेंज, एग्जाम्पल क्रीपिंग ग्लेशियर। देखिए किसी भी न्यू स्पीसीज की फॉर्मेशन किसकी वजह से, सेपरेशन ऑफ अ सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम द ओरिजिनल पॉपुलेशन बाय डिस्टेंस। यहाँ पर होता क्या है, हम लोग ना एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलो सपोज करिए मैंने यहाँ पे अफ्रीका ले लिया, और यहाँ पे मैंने एशिया ले लिया, मैंने एक अफ्रीका ले लिया, मैंने एक ले लिया एशिया। अफ्रीका में भी व्हाइट लाइन प्रेजेंट है, अफ्रीका में भी व्हाइट लाइन प्रेजेंट है, एशिया में भी व्हाइट लाइन प्रेजेंट है। एशिया कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका भी कॉन्टिनेंट है, दोनों में अपने व्हाइट लाइट प्रेजेंट, जो व्हाइट लाइन है वो प्रेजेंट है। अब ये जो व्हाइट लाइन है तो सेम स्पीसीज के ही, अलग अलग थोड़ी ना है, राइट बच्चों। यहाँ पर क्या हुआ कि जो अफ्रीका और एशिया में जो व्हाइट लाइन प्रेजेंट है तो सेम स्पीसीज के। अब यहाँ पर क्या हुआ कि अफ्रीका में जो व्हाइट लाइन है ये अपने न्यू स्पीसीज को फॉर्म करेगी इंटरब्रीड करके, और जो एशिया में व्हाइट लाइन है ये अपने न्यू स्पीसीज को फॉर्म करेंगे इंटरब्रीड करके, राइट, और अपनी पॉपुलेशन को आगे बढ़ाएंगे। अफ्रीका में पॉपुलेशन व्हाइट लाइन की बढ़ती जाएगी, एशिया में भी व्हाइट लाइन की पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो पॉपुलेशन है वो डिस्टेंस्ड हो गई है, दूर बट गई है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, एशिया कॉन्टिनेंट में, राइट, और भी जगह होंगे, मैं ऐसे नहीं कह रही कि मैं सिर्फ यहीं की बात करूँ, और भी होंगे ना। लेकिन क्या हुआ, पॉपुलेशन तो बढ़ी रही है, न्यू स्पीसीज तो फॉर्म हो ही रही है, न्यू स्पीसीज फॉर्म हो रही है, प्लस इवोल्यूशन भी हो रहा होगा कि जो पहले व्हाइट लाइन पेरेंट्स थे और उनके जो बेबीज व्हाइट लाइन आए हैं, कुछ ना कुछ तो चेंजेस आ रहे होंगे, बेचारे अपने अपने अंदर चेंजेस ला रहे होंगे, पेरेंट्स की तरह एज इट इज तो होते नहीं, होनेंगे नहीं, इवॉल्व हो रहे होंगे। अफ्रीका के इन्वायरमेंट के हिसाब से अलग इवॉल्व हो रहे होंगे, एशिया के इन्वायरमेंट के हिसाब से अलग इन्वॉल्व हो रहे होंगे, सॉरी इवॉल्व हो रहे होंगे, लेकिन पॉपुलेशन तो बढ़ रही है। ऐसे स्पीसीएशन को हम लोग बोलते हैं एलोपेट्रिक स्पीसीएशन। दिस टाइप ऑफ स्पीसीएशन इज कॉल्ड एलोपेट्रिक स्पीसीएशन, कि जो पॉपुलेशन है वो डिस्टेंस की वजह से बट गई है, ज्योग्राफिकल बैरियर की वजह से, एग्जाम्पल क्रीपिंग ग्लेशियर, डेवलपमेंट ऑफ माउंटेन, माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल आल्सो कॉजेस एलोपेट्रिक सेपरेशन।
माइग्रेशन कर लिया, एक लाइन यहाँ से निकल के दूसरी जगह पे पहुंच गया, वहां जाके अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रहा है, बट है तो सेम स्पीसीज का ही ना, अलग तो नहीं है। एंड द मोड ऑफ इवोल्यूशन हियर इज कॉल्ड एडेप्टिव रेडिएशन। ऐसे इवोल्यूशन को हम लोग एडेप्टिव रेडिएशन भी मोड कहते हैं। एग्जाम्पल, 14 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फिंचेस इन गैलापागोस आइलैंड एंड सेवरल मार्शेबल स्पीसीज इन ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट। यहाँ पर बोल दिया कि गैलापागोस में जो फिंचेस की स्पीसीज है, 14 डिफरेंट स्पीसीज हैं जो बट गई हैं। कुछ गैलापागोस आइलैंड पर चली गई हैं, कुछ ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट पर चली गई हैं, कुछ और जगह चली गई हैं, लेकिन स्पीसीज एक ही है, बस पॉपुलेशन बट गई है अपने अलग अलग कॉन्टिनेंट अलग अलग एरिया में, और फिर वहां जाके अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा रही है, और जो पॉपुलेशन आ रही है, न्यू बेबीज आ रही है, न्यू स्पीसीज आ रही है, वो इवॉल्व होके आ रही है अपने अपने अकॉर्डिंग एनवायरमेंट में। दिस टाइप ऑफ स्पीसीएशन इज कॉल्ड एलोपेट्रिक स्पीसीएशन। ओके, दूसरा आता है हमारा सिम्पेट्रिक स्पीसीएशन। सिम्पेट्रिक स्पीसीएशन, द फॉर्मेशन ऑफ अ स्पीसीज विद इन सिंगल पॉपुलेशन विदाउट जियोग्राफिकल आइसोलेशन एंड दीज आर फॉर्म ड्यू टू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। देखिए यहाँ पर क्या होता है, सिम्पैट्रिक स्पीसीशन। सिम्पैट्रिक स्पीसीशन का मतलब है कि यहाँ पर जो भी न्यू स्पीसीज फॉर्म्ड होगी, पहले मैं थोड़ा सा एग्जांपल ले लेती हूँ। सपोज करिए एक्वेटिक है, कोई एक्वेटिक मैंने कोई ले लिया, कुछ भी ले लीजिए, जैसे लेक विक्टोरिया ले लो, कुछ भी ले लो, एक्वेटिक ले लिया मैंने। अब यहाँ पर क्या है कि किसी ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज प्रेजेंट है, किसी ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज प्रेजेंट है किसी भी एक्वेटिक एनिमल की। अब ये स्पीसीज इस लेक विक्टोरिया के अलावा कहीं और नहीं प्रेजेंट है, कहीं भी प्रेजेंट नहीं है, कहीं भी। सिर्फ कहाँ प्रेजेंट है, लेक विक्टोरिया में प्रेजेंट है, इसके अलावा कहीं भी प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर इस लेक विक्टोरिया में जो स्पीसीज प्रेजेंट है, स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, वो क्या करेंगे, इसमें वहां पे अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करेंगे, न्यू स्पीसीज को फॉर्म करेंगे, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएंगे, राइट। इसके अलावा इस स्पीसीज की पॉपुलेशन लेक विक्टोरिया के अलावा कहीं और इंक्रीज नहीं होगी, बस इसी जगह पे इंक्रीज होगी, और इस जगह पर वही जो न्यू स्पीसीज आएगी वही जगह अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग इवॉल्व होगी, म्यूटेशन होगा, चाहे जो भी होगा, लेकिन जो होगा सिर्फ इसी जगह पे होगा, चाहे पॉपुलेशन इंक्रीज की बात कर दी जाए, चाहे यहाँ पर उसके इवॉल्व न्यू स्पीसीज की बात कर दी जाए। ऐसी स्पीसीशन को हम लोग बोलते हैं सिम्पेट्रिक स्पीसीशन। यहाँ पर कोई भी ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की बात नहीं की जाती है, क्योंकि ये जो स्पीसीज है ये सिर्फ लेक विक्टोरिया में प्रेजेंट है, ना तो ये कहीं माइग्रेट कर रही है, ना इसको कहीं ले जाया जा रहा है, जिसकी वजह से इस स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म किसी और जगह पे प्रेजेंट नहीं है, यहीं पर पॉपुलेशन इनकी इंक्रीज हो रही है, और यहाँ पॉपुलेशन इंक्रीज होने का मतलब है कि यहीं पर ये इवॉल्व होगी। इस टाइप की स्पीशिएशन को हम लोग बोलते हैं सिम्पेट्रिक स्पीशिएशन। दूसरी आ जाते हैं, दूसरी होती है इंटर स्पेसिफिक। ये कौन सी थी, इंट्रा स्पेसिफिक, दूसरी होती है इंटर स्पेसिफिक स्पीशिएशन। तो इसमें सबसे पहला जो आता है वो हाइब्रिडाइजेशन आता है। टू डिफरेंट स्पीसीज ऑन क्रॉसिंग में गिव राइज टू अ न्यू स्पीसीज। दैट इज यहाँ पर सपोज करिए कि हमने दो स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म ले लिए, स्पीसीज वन का ऑर्गेनिज्म ले लिया और यहाँ हम लोगों ने ले लिया स्पीसीज सेकंड का ऑर्गेनिज्म, ले लिया हम लोगों ने स्पीसीज वन का ऑर्गेनिज्म एंड स्पीसीज टू का ऑर्गेनिज्म। अब थोड़े बहुत ही सिमिलर है, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ही डिफरेंट है, ये दोनों स्पीसीज के जो ऑर्गेनिज्म है थोड़े से सिमिलर है। अब है तो अलग अलग ही ना, एक स्पीसीज के तो है नहीं है, भले ही सिमिलर है तो क्या हुआ, है तो अलग अलग। यहाँ पर क्या किया, इन दोनों डिफरेंट स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म ने मिलके इंटरब्रीड कर लिया, क्रॉसिंग कर ली, इंटरब्रीडिंग कर ली, और जो न्यू स्पीसीज आई वो कैसी होगी, थर्ड टाइप की स्पीसीज होगी ना, एक एक न्यू ऑर्गेनिज्म भी तो होगा, क्योंकि वो दो स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म से मिलके बना है, और जब दो डिफरेंट स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म फर्टिलाइज्ड होंगे तो एक थर्ड टाइप की स्पीसीज बन जाएगी ना, बनेगी कि नहीं बनेगी, और जो एनिमल प्रोड्यूस्ड होगा, न्यू स्पीसीज आएगी, न्यू ऑर्गेनिज्म आएगा, वो दोनों के कैरेक्टर को कैरी करेगा, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म को भी और सेकेंड ऑर्गेनिज्म को भी। ऐसे हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, और जो हमारी स्पीसीज आएगी उसे हम बोलेंगे हाइब्रिड। उसे क्या कहेंगे, हम
हाइब्रिड कहेंगे। तो यही लिखा हुआ है दैट टू डिफरेंट स्पीसीज ऑन क्रॉसिंग मे गिव राइज टू अ न्यू स्पीसीज। जैसे म्यूल, म्यूल इज अ हाइब्रिड, म्यूल हाइब्रिड है क्योंकि ये मेल डंकी और फीमेल फीमेल हॉर्स के इंटरब्रीडिंग से प्रोड्यूस्ड हुआ है। मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स, डोंकी की स्पीसीज बिल्कुल अलग, हॉर्स की स्पीसीज अलग है। हाँ थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर है सेम है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर सेम है तभी तो उन्होंने इंटरब्रीडिंग कर लिया, स्ट्रक्चर भी सेम नहीं होता तो इंटरब्रीडिंग भी नहीं होती। तो जब एक स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म ने दूसरी स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरब्रीड कर लिया तो एक थर्ड टाइप की स्पीसीज आई जिसे हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड। एंड हिनी इज अ ऑफस्प्रिंग ऑफ मेल हॉर्स एंड फीमेल डोंकी। उसके ऑफस्प्रिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, हिनी बोलते हैं, जो कि मेल हॉर्स और फीमेल डोंकी के इंटरब्रीडिंग से आती है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, या फिर ये कह सकते हैं दिस टाइप ऑफ स्पीसीएशन इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट आ जाइए जियोलॉजिकल टाइम स्केल पर। अभी हम लोगों ने स्पीसीएशन पढ़ा, अब लोग हम पढ़ेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल। द प्लैनेट अर्थ विद इट्स प्रेजेंट बायोडाइवर्सिटी वॉज नॉट सो वैन इट वॉज बॉर्न। देखिए हम लोगों की जो प्रेजेंट बायोडाइवर्सिटी है प्लैनेट इस अर्थ पर, मतलब मिलियंस में है। कहा जाता है 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म बायोडाइवर्सिटी हमारी अर्थ पर प्रेजेंट है, लेकिन पहले इतनी नहीं हुआ करती थी। स्टडी ऑफ फॉसिल्स टेल अस दैट लाइफ फॉर्म्स वर नॉट द सेम मिलियंस ऑफ इयर्स एगो। और फॉसिल्स की स्टडी करने के बाद तो ये चीज बिल्कुल ही प्रूफ हो गई थी कि कहीं ना कहीं जो हमारे पास्ट में जितने भी ऑर्गेनिज्म रहे हैं मिलियंस ऑफ इयर्स पहले, आज के ऑर्गेनिज्म से बिल्कुल डिफर थे, लाइक डायनासोर, डोडो, राइट। एंड जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड द सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट टू प्लेस ऑन द अर्थ इन डिफरेंट एजेस ओवर पीरियड ऑफ टाइम। और ये जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है ये हमें इसी चीज में हेल्प करता है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल का मतलब है कि आज से 100 साल पहले, फिर 200 साल पहले, 500 साल पहले, 1 मिलियन पहले, या फिर 5 मिलियन पहले, कि 100 साल पहले हमारी अर्थ में क्या था, कौन से ऑर्गेनिज्म थे, उससे पहले 2 साल पहले कैसे थे, 500 साल पहले कैसे थे, 1 मिलियन ईयर्स पहले कैसे थे, या फिर 5 मिलियन ईयर्स पहले क्या अर्थ पर चेंजेस थे, कौन से ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे, कैसे रहा करते थे। यही होता है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। एंड इट इज डिवाइडेड टू 6 मेजर एरास। और इस पूरे जियोलॉजिकल टाइम को हम लोग 6 एरास में डिवाइड करके पढ़ते हैं। Eras ended with major environmental changes on Earth, resulting into extinction and emergence of new species. Eras का मतलब क्या होता है? Eras का मतलब होता है कि हमारे Earth पर किस time period में कौन से organism आए, right? आए उसके बाद वो extinct हो गए, तो किस time period, कितने साल बाद, कितने time बाद वो extinct हो गए, और जब वो extinct हो गए तो कौन सी new species हमारे Earth पर produced हुई, इसे हम लोग बोलते हैं इरास। इरास क्या शो करता है कि हमारे अर्थ पर जैसे जैसे इन्वायरमेंट में चेंज होता गया वैसे वैसे न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड हुए, जैसे जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड हुए वैसे वैसे वो इन्वायरमेंट बदला भी, तो वो ऑर्गेनिज्म एक्सटेंट भी हो गए, गायब भी हो गए। और जब वो ऑर्गेनिज्म एक्सटेंट हो गए, गायब हो गए, तो कुछ नई स्पीसीज ने जन्म ले लिया, राइट। ये क्या है, ये इरास होते हैं। And the eras are further divided into periods and epochs based on the minor but landmark event in each era. अब यहाँ पर क्या है? अब जो eras हैं, eras को हम लोग फिर periods में divide कर देते हैं। जैसे suppose कर लिए, मैंने ये ले लिया, मैंने कौन सा ले लिया? Seventh era ले लिया। ठीक है, मैंने seventh era ले लिया। यानी कि जो seventh century में अपना हुआ होगा, seventh century का पूरा era ले लिया। लेकिन seventh century eras में भी तो different time period होगा ना? जैसे 701, फिर 701 से लेकर 710 तक रहा होगा, फिर 711 से 720 तक रहा होगा, 721 से 730 रहा होगा, फिर 731 से 740 रहा होगा। तो ये क्या है, ये फिर उसको टाइम पीरियड में डिवाइड कर दिया। इरा का मतलब होता है पूरा एक सेंचुरी, और पीरियड का मतलब होता है कि आपने उसको कितने कितने पीरियड में डिवाइड कर दिया। द फर्स्ट लाइफ अपीयर्ड ऑन अर्थ सम 2000 मिलियन ईयर्स एगो। कहा जाता है कि अर्थ पर जो सबसे पहले लाइफ फॉर्मेशन हुई थी
आज से 2000 साल मिलियन पहले हुई थी। ये भी अप्रोक्स है, नॉट करेक्ट, किसी को नहीं पता, बस ये अप्रोक्स ले लिया है। एंड इट टुक्स बिलियंस ऑफ इयर्स फॉर दिस पर्पस टू टेक्स प्लेस फ्रॉम प्रोटेनॉइड्स फर्स्ट स्टेल टू ट्रांजिशन स्टेला मिस्ट्री। और 2000 साल पहले जो कोई भी फर्स्ट लाइफ की फॉर्मेशन हुई होगी, और इस फर्स्ट लाइफ की फॉर्मेशन के लिए भी कितने बिलियंस ऑफ ईयर्स लगे होंगे, और स्टिल अभी भी मिस्ट्री है, पता ही नहीं है कहाँ से आए, क्यों आए। वंस फॉर्म्ड द लिविंग फॉर्म्स डाइवर्सिफाइड इनटू वेरियस ग्रुप एंड लाइफ बिगिन इन द सी वाटर एंड प्लांट्स, राइट। अभी आगे पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ तक है वाटर वाले तक। फिर उसके बाद जब हम लोगों की लाइफ की फॉर्मेशन हो गई, तो लाइफ फॉर्मेशन फिर डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड हो गई, और कहा जाता है कि जो लाइफ की बिगनिंग हुई है वो हमारे सी वाटर से हुई है। एंड द प्लांट्स वर द फर्स्ट लिविंग बीइंग्स टू अडैप्ट टू टेरेस्ट्रियल लाइफ, और कहा जाता है कि प्लांट्स हमारे पहले लिविंग बीइंग्स थे जो टेरेस्ट्रियल पे प्रोड्यूस्ड हुए थे, टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड। एंड द फिशेज इवॉल्व एंड डाइवर्सिफाइड, फिर धीरे धीरे करके जो फिशेज थी छोटी छोटी इवॉल्व होती चली गई, डिफरेंट डाइवर्सिटी में डिवाइड होती चली गई। द लॉफिन ग्रुप ऑफ फिशेज इज टू गॉट डाइवर्सिफाइड, एक ग्रुप होता है फिशेज का लॉफिन, वो अपना इवॉल्व होता चला गया, डिफरेंट वेराइटीज को प्रोड्यूस करता चला गया। एंड सम डेवलप स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स एंड कुड गो टू लैंड एंड कम बैक टू वाटर। इसके अलावा फिर उनके जो फिन्स थे वो स्ट्रॉन्ग होते चले गए, जो फिशेज होती है उसमें फिन्स होते हैं, उनके स्ट्रॉन्ग होते चले गए, स्टाउट होते चले गए, स्ट्रेट, एंड धीरे धीरे करके जो हमारी फिशेज हैं, फिशेज हमारी डेवलप होती चली गई, इवॉल्व होती चली गई, लैंड पर आ गई, लैंड से इन द सेंस जैसे क्रोकोडाइल, फ्रॉग, ये सब चीजें। एंड देन फिर बहुत सारी चीजें, कुछ पानी में भी वापिस चली गई, कुछ हमारे अर्थ के सरफेस पर आ गई। एंड द कॉलेज सेंस वॉज कंसिडर्ड अ लिविंग फॉसिल्स, एक कॉलिन सेथ है जिसको हम लोग लिविंग फॉसिल्स कंसिडर करते हैं। लिविंग फॉसिल का मतलब है कि ये फॉसिल बन चुका है, यानी कि बहुत हजारों साल पहले ये प्रेजेंट होगा, लेकिन उसके बाद मर गया, फॉसिल बन गया, लेकिन इसकी कुछ मतलब कुछ यानी इसके मतलब जो बोलते हैं ना कि कुछ अभी भी लिविंग प्रेजेंट है, यानी कि इसके फॉसिल्स भी प्रेजेंट है, जो कॉलिन सेथ है इसके फॉसिल्स भी प्रेजेंट है, लेकिन रेयर कंडीशंस में, रेयर एनवायरमेंट में कॉलन से ताजी फाउंड आउट होता है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि भाई इसके फॉसिल्स भी मिल रहे हैं प्लस लिविंग भी है, लिविंग फॉसिल्स। एंड इट वाज थॉट दैट द लॉबिन्स आर एक्सटेंट प्लांट्स वर द फर्स्ट लिविंग बीइंग्स टू अडैप्ट टू टेरेस्ट्रियल लाइफ, धीरे धीरे करके जो लॉबिन्स है वो एक्सटेंट होते चले गए, शायद एनवायरमेंट चेंज होता चला गया, लॉबिन्स एक्सटेंट हो गए, और जो प्लांट्स थे सिर्फ प्लांट्स हमारे लिविंग बीइंग्स बचे, और वो हमारे टेरेस्ट्रियल पे ग्रो होना शुरू हो गए। फिशेज इवॉल्व एंड डाइवर्सिफाइड, एक सेकेंड स्टूडेंट, थोड़ा सा ये पॉइंट रिपीट हो गया है तो इसको छोड़ दीजिए, ये पॉइंट थोड़ा सा रिपीट हो गया है, उसके बाद यहाँ देख लीजिए। कॉलिन्स वाज अ लिविंग फॉसिल, ये मैंने आपको बताई दिया। देन इट वाज थॉट दैट लॉफिन्स आर एक्सटेंट एंड मूव बैक टू एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ एंड गेन फिशेज लाइफ फॉर्म एज सीन इन साइटोसॉल। उसके बाद जो लॉफिन थे वो एक्सटेंट हो गए, धीरे धीरे करके जो एक्वेटिक लाइफ थी वो एक्वेटिक लाइफ में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे इवॉल्व होते चले गए। जिस टाइमिंग पे बहुत सारी फिशेज हमारी ग्रो भी हुई, और उसमें से एक फिश भी है हमारी इसाइटोसॉर्स। द गेन रेप्टाइल्स लाइक डायनासोर्स वाज डोमिनेटेड द अर्थ आर नाउ एक्सटेंट, पहले हमारे रेप्टाइल्स भी थे जायंट रेप्टाइल्स लाइक डायनासोर्स, लेकिन आज के प्रेजेंट टाइमिंग पर एक्सटेंट हो चुके हैं। व्हेन वाज दिस, कब हुए पता ही नहीं, अराउंड 65 मिलियन ईयर्स एगो, कहा जाता है 65 मिलियन ईयर्स एगो पहले। व्हाई इट मस्ट हैपन, क्यों हुए, वही है, देखिए एक्सटिंक्शन का कोई रीजन ही नहीं है, एक्सटिंक्शन का कोई रीजन नहीं है, रीजन बहुत सारे हैं, लेकिन एक होता है ना कि परफेक्ट रीजन, करेक्ट रीजन, वो हमारे पास है ही नहीं है। किसी ने कहा कि अर्थ में बहुत सारे चेंजेस हुए, वॉल्केनो फटने लगे, या फिर अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया जिसकी वजह से डायनासोर एक्सटेंट हो गए। कुछ लोग कहते हैं कि पानी इतना आया, आई मीन टू से सुनामीज एंड साइक्लोन्स वगैरह इतने ज्यादा आए कि पानी का लेवल हमारी अर्थ पर ज्यादा हो गया जिसकी वजह से वो एक्सटेंट हो गए। कोई कहता है कि ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया था, उनको ऑक्सीजन नहीं मिली जिनकी वजह से उनको डेड होना पड़ा, उनकी डेथ हो गई। कोई कहता है कि हमारी अर्थ पर मीटियोर्स, एस्ट्रोनॉइड्स ये सब गिरे थे जिसकी वजह से वो एक्सटेंट हो गए। तो पर्टिकुलर ये करेक्ट रीजन तो है ही नहीं हमारे पास। हाउएवर दे ऑल्सो बिकम एक्सटेंट एंड गॉट कन्वर्टेड टू फॉसिल्स, फॉसिल फ्यूल्स, एक टाइम बाद वो भी अपने एक्सटेंट हो गए और फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो गए।
क्यों हुआ, कैसे हुआ, पता नहीं. एंड द डिक्लाइन ऑफ जाइंट रेप्टाइल्स मार्क द रोल ऑफ डोमिनेंस ऑफ मैमल्स. लेकिन जैसे जैसे हमारे रेप्टाइल्स, जो जाइंट रेप्टाइल्स थे लाइक डायनासोर्स, वो डिक्लाइन होते गए, आई मीन टू से एक्सटेंट होते चले गए, मैमल्स हमारे बढ़ते चले गए. क्योंकि मैमल्स को क्या था, बड़े जो जाइंट रेप्टाइल्स थे खा जाती थी. लेकिन जब रेप्टाइल्स, जाइंट रेप्टाइल्स ही डिक्लाइन हो गए, मैमल्स को कोई खाने वाला नहीं बचा, और मैमल्स की जो कैटेगरीज थी वो बढ़ती चली गई. दीज विवीपोरस ऑर्गेनिज्म वर मोर इंटेलिजेंट, और जो विवीपोरस ऑर्गेनिज्म थे वो इंटेलिजेंट होते चले गए. दे कुड अवॉइड डेंजर, डेंजर से वो लड़ने लगे, राइट. एंड अर्ली मैमल्स वर स्मॉल श्रीव लाइक ऑर्गेनिज्म. पहले के टाइम पे जो मैमल्स थे वो श्रीव, श्रीव होता है ना एकदम एकदम छोटा सा, उस टाइप के थे. लेकिन धीरे धीरे करके श्रीव डाइवर्सिफाइड, डेवलप होते चले गए. व्हेल, डॉल्फिन, सील, सी काउ लिव इन वाटर. बैट आर फ्लाइंग मैमल्स. कैंगरू, रेट्स आर फॉसिलियर. लेमर्स आर एर्बोरियल. तो ये सारे हैं जितने, जैसे व्हेल, डॉल्फिन की बात करें तो वाटर में रहते हैं, बैट की बात करें तो फ्लाइंग मैमल्स है, कॉन्ग्रू रेट की बात करें तो फॉसोरियल है, एंड लेमर्स की बात करें तो एर्बोरियल है, यानी कि हवा में उड़ने वाले. एंड मेजर फिजिकल डिस्टर्बेंस लेड टू फिनोमिनन लाइक द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड कॉन्टिनेंट मूव फ्रॉम देयर ओरिजिनल प्लेस. इसके अलावा बहुत से रीजन है. ये भी कहा गया कि पहले अर्थ पे जितना भी सरफेस था वो पूरा कंबाइंड था, लेकिन धीरे धीरे करके अर्थ को एक आए लैंडस्लाइड्स हुई, जिसकी वजह से जो हमारे अर्थ सरफेस था वो काफी सारे कॉन्टिनेंट, यानी कि टोटल 5 कॉन्टिनेंट में डिवाइड हो गया. एज अ कॉन्सिक्वेंस व्हेन साउथ अमेरिका ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका, जिसमें साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका के साथ ज्वाइन हो गया. एंड एंसेस्ट्रल फॉर्म्स ऑफ हॉर्स, हिप्पोज, रैबिट, नेटिव टू साउथ अमेरिका बट डोमिनेटेड बाय नॉर्थ अमेरिकन एनिमल. और जो हमारे साउथ अमेरिका में एनिमल्स प्रेजेंट थे, हॉर्स, हिप्पोज, रैबिट्स, पहले वो सिर्फ साउथ अमेरिका में थे, फिर वो नॉर्थ अमेरिका में भी अपना डेवलप होना शुरू हो गए, क्योंकि दोनों कंटिनेंट क्या हो गए, मिक्स हो गए. और उसी टाइमिंग पर जो मार्सुपियल डाइवर्सिफाइड इनटू डिफरेंट हैबिटेट्स इन ऑस्ट्रेलिया, उसी के साथ साथ जो हमारे मार्सुपियल एनिमल्स थे वो अपने ऑस्ट्रेलिया में और अपना डाइवर्स इवॉल्व होते चले गए. दे सर्वाइव ड्यू टू लैक ऑफ कॉम्पिटिशन. अब उनको कोई खाने वाला तो कोई बचा था नहीं, तो सर्वाइव कर गए. अगर होते जाइंट रेप्टाइल्स होते उन्हें खाने के लिए तो बचते ही नहीं. सो फ्रॉम द फॉसिल्स रिकॉर्ड वी कैन ट्रेस कंप्लीट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ हॉर्स, एलिफेंट, डॉग, ह्यूमन बींग्स आर द मोस्ट इवॉल्व एनिमल्स ऑन अर्थ. तो हम लोग जितनी भी हमारे पास इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, राइट, और जितने भी फॉसिल्स के रिकॉर्ड्स हैं, उसके बेसिस पर हम लोग इवोल्यूशन जो हुआ है हॉर्स का, एलिफेंट का, डॉग का, कहीं ना कहीं हम पता लगा लेते हैं, पता है प्रेजेंट टाइम पर. क्यों पता है? क्योंकि हमारे पास काफी फॉसिल्स के रिकॉर्ड्स हैं, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, जिसके बेसिस पर हमें पता है कि हमारे प्रेजेंट टाइमिंग पर जितने भी एनिमल्स हैं वो किसी ना किसी से इवॉल्व होके आए हैं. ऐसा नहीं है कि आज ही प्रोड्यूस्ड हो गए, इवॉल्व होके आए हैं, राइट. बाकी के ये आपके कुछ इराज हैं. देखिए यहाँ पर ये इराज लिखा हुआ है, ये है आपका सेनोजोइक इरा है. ये आपका 2 पीरियड में डिवाइडेड है, क्वाटरनरी और टर्शरी का. क्वाटरनरी टाइम पीरियड में आ जाता है 0.1 से 0.6 MYA और 0.6 से 2.0. एपोक आ जाता है यहाँ पर होलोसेन और पेलेस्ट्रॉन. प्लांट लाइफ थी एंजियोस्पर्म, पेलेस्ट्रॉन में थे इंक्रीज इन हब्स. एनिमल लाइफ की बात करें तो एज ऑफ मैमल्स, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न मैन, बर्ड्स, फिशेस एंड इंसेक्ट्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कल्चर. इंक्रीज इन हब्स की बात करें तो एक्सटिंक्शन ऑफ ग्रेट मैमल्स एंड अपीयरेंस ऑफ प्रिमिटिव मैन. हम लोग कॉइनसॉक की बात करें तो कॉइनसॉक आपका डिफरेंट पीरियड्स में है, 2 से 13, 13 to 26, 26 to 38, 38 to 54, 54 to 65. और इसमें एपोच है प्लियोसेन, 13 मियोसेन, ओलिगोसेन, एओसेन, पैलियोसेन. अब सबसे पहले बात करते हैं प्लियोसेन की, तो हार्डी वुडी प्लांट्स, कॉन्फ्रेंस, ग्रासलैंड्स, ब्रायोफाइट्स, मोनोकॉट्स, इनका डेवलपमेंट हुआ. एविडेंस ऑफ डेशियस ट्रीज, ओरिजिन ऑफ ग्रासेस का डेवलपमेंट, राइज ऑफ मोनोकॉट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स का डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ एंगियोस्पर्म, मॉडर्नाइजेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. फिर एनिमल लाइफ में एमर्जन ऑफ, ओरिजिन ऑफ मैन, इवोल्यूशन ऑफ रूमिनेंट्स, हॉर्स, कैमल, एलिफेंट, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट मैन लाइक एप, एडेप्टिव रेडिएशन, स्प्रेड ऑफ मैमल्स, एक्सटिंक्शन ऑफ आर्की मैमल्स, अपीयरेंस ऑफ एप्स एंड मंकीज, टर्टल्स एंड क्रोकोडाइल्स, अर्ली डेवलपमेंट,
डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटल मैमल एंड मॉडर्न बर्ड्स, अराइवल ऑफ अर्ली प्राइमेट्स, राइज ऑफ प्लेसेंटल एनिमल, ये इराज में अपने अपने चेंजेस हुए थे प्लांट और एनिमल्स लाइफ। इसके साथ आपकी काफी सारे और इराज हैं, लेकिन उनको हम लोग और डिटेल में अच्छी तरीके से अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आपका जो नेक्स्ट सेशन होगा बिल्कुल इराज वाला ही होगा, क्योंकि जितने भी आपकी टेबल हैं अब सिर्फ इराज वाली टेबल बची हुई है। तो पहले हम लोगों ने ये वाली टेबल बता दी है, इसको और अच्छे से मैं आपको बताऊंगी कि टाइम, MYA और एपोक थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर देंगे। लेकिन एक थोड़ा सा एक कहते हैं ना, एक मतलब इंट्रोडक्शन मिल गया कि हाँ कैसे इराज और पीरियड वगैरह अपने अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड थे और उसमें क्या क्या डिविजन कैसे हुआ। बाकी के इसके जो और इराज हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। लास्ट बचा हुआ है उसके इराज कंप्लीट हो जाने के बाद, ये चैप्टर ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। काफी टाइम हो गया, डोंट वरी, अब कंप्लीट ही हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय टू ऑल नाउ।